अय्यार। कोई तेईस भी दुनिया की कहानी सुना कोई काफ की। सबसे बड़ी फिल्म तहलका मचा देने वाली कहानी। You really don't know who you are। सबसे ज्यादा बिजनेस। लेकिन हम तुम्हें प्रोटेक्ट कर सकते हैं। जादू साइंस और पूरी इसरारियत का हसीन इम्तिजाज। एक ताकतवर फ्रीम को हाजिर करना चाहता है। नॉर्थ अमेरिका के सिनेमाओं में रिलीज हो चुकी है। इलाके में लक्का की हुकूमत चलेगी। आज ही अपने करीबी थिएटर्स जाएं, चेक करें। तुम्हें वाकई मुझ पे इतना भरोसा है? दुनिया भर में कहानियों में सबसे ज्यादा पढ़ा जाने वाला ये किरदार पहली मर्तबा आपके सामने। मान लोगे तो जान लोगे। उम्रो अय्यार देखना मत भूलिएगा। दुश्मन से कह दो हम आ रहे हैं। और देखने का मौका मत गवाइएगा। अय्यारों तैयार। नाज़रीन, आप देख रहे हैं देसी टीवी यूएसए और मैं हूं आमना तारिक। आइए चलते हैं आज की ताज़ा खबर की तरफ। साबिक दोस्त की जेल से रिहाई के बाद अमरीकी तालिबा कत्ल। अमरीकी सदर लेट हो गए, इटली की वजीरी आजम का आंखें घुमाकर नाराजगी का इजहार। अमरीकी नौजवान तालिबा की तशद्दुद ज़दा लाश गाड़ी से बरामद हुई है। अमरीकी मीडिया के मुताबिक 22 साल यूनिवर्सिटी की तालिबा की तशद्दुद ज़दा लाश इसकी गाड़ी के पिछले हिस्से से मिली। लड़की का साबिक बॉयफ्रेंड अदालती हुक्म पर चंद रोज पहले जेल से रिहा हुआ था। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक नौजवान लड़की की लाश रियासत मिसिसिपी से 3 जुलाई को मिली। मकतूल लड़की के वालिद ने जज से दरख्वास्त की थी और कहा था कि बेटी के साबिक बॉयफ्रेंड को जेल से रिहा ना किया जाए। अगर ऐसा किया गया तो लड़का बेटी को कत्ल कर देगा। गैर मुल्की मीडिया के मुताबिक जज ने वालिद की दरख्वास्त ना सुनी और लड़के की रिहाई दे दी। 22 साल नौजवान लड़की की लाश इसके बाद अपनी गाड़ी से मिली। जबकि अमरीकी पुलिस का कहना है कि कत्ल का जिम्मेदार लड़की का 23 साल साबिक बॉयफ्रेंड, जिसे गिरफ्तार भी कर लिया गया है और इस पर कत्ल का मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। अमरीकी मीडिया के मुताबिक इससे कबल दिसंबर में इस लड़के को लड़की पर तशद्दुद और अगवा करने के इल्ज़ाम में गिरफ्तार किया गया था। गैर मुल्की मीडिया के मुताबिक मकतूल लड़की के वालिद का कहना है कि इसकी बेटी को बदतरीन तशद्दुद के बाद कत्ल किया गया और इसके बाद लाश को भी खराब कर दिया गया। अमरीकी सदर जो बाइडन के इंतजार में खड़ी नाराज अतारी वजीर आजम जॉर्जिया मेलनी की एक वीडियो सोशल मीडिया पे वायरल हो गई। अमरीकी मीडिया के मुताबिक जुमेरात की सुबह जॉर्जिया मेलनी और दीगर आर्मी रहनुमा वॉशिंगटन में नेटो सरबराही इजलास के तीसरे दिन के आगाज के लिए सदर जो बाइडन और नेटो के सेक्रेटरी जनरल स्टॉल्टनबर्ग का इंतजार कर रहे थे। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक इस मौके पर अतालवी वजीर आजम जॉर्जिया मेलनी अमरीकी सदर के टाइम पर ना पहुंचने पर नाराज दिखाई दी और उन्होंने इसका इजहार अपनी आंखों, चेहरे और इशारों से किया। गैर मुल्की मीडिया के मुताबिक इस मौके पर अतालवी वजीर आजम जॉर्जिया मेलनी के साथ खड़े फिनलैंड के सदर ने भी अपना मोबाइल फोन चेक किया, जिसके बारे में कहा जा रहा है कि शायद उन्होंने भी टाइम देखने के लिए मोबाइल फोन निकाला था। इटली के वजीर आजम की ये तासुराती वीडियो सोशल मीडिया पर भी वायरल हो गई है। नाज़रीन, आप देख रहे थे देसी टीवी यूएसए और मैं आपके साथ मौजूद थी आमना तारिक। हमारे तमाम मीडिया प्लेटफॉर्म्स को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना मत भूलिएगा और अपनी कीमती राय का इजहार हमारे कमेंट सेक्शन में ज़रूर कीजिएगा। आपसे इजाज़त चाहती हूँ, अल्लाह हाफिज़। ब्लॉकबस्टर साइंस फिक्शन फिल्म उम्रो अय्यार ईद के रोज से तमाम सिनेमा घरों में रिलीज। हम तुम्हें प्रोटेक्ट कर सकते हैं। जदीद टेक्नोलॉजी, अछूता मौजू, अपने करीबी सिनेमा हॉल जाएं, चेक करें और देखना ना भूलें। इस इलाके में लक्का की हुकूमत चलेगी।